बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाए दो जहां हुजूर अकरम खातमुन नबीजीन सल्लम का मदीना में दाखिला। जब आप सल्लम मदीना में दाखिल हुए तो हर शख्स की यह आरज़ू थी कि आप सल्लम इसके हाँ क्या फरमाएं। हर तरफ से यही वालेहाना और आशिकाना दरख्वास्त थी कि ये रसूल सल्लम ये गरीब खाना हाजिर है, आप इनको दुआ देते फरमाते, या ये नाका यानी ऊँटनी मिन जानिबिल्लाह मामूर है, जहाँ अल्लाह के हुक्म से बैठेगी मैं वहीं क़याम करूँगा। आप सल्लम ने लगाम को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। किसी तरफ से लगाम को दस्ते मुबारक से हरकत नहीं दे रहे थे। जोश का ये आलम था। ख्वातीन जमाल नबवी को देखने के लिए छतों पर चढ़ी हुई थी, वो शार पढ़ रही थी, ताला बद्र अलैना वजब शुक्र अलैना। और बनी नजार की बच्चियां ये शेर पढ़ी, नहरू नहनु जवार मिन बनी नजार, हम और जा नबीउल्लाह जा रसूलुल्लाह। हज़रत फरमाते हैं कि आपकी तशरीफ़ आवरी से मदीना का ज़र्रा ज़र्रा रोशन था। जिस रोज़ आप दुनिया से रुखसत हुए, आपका विसाल हुआ, गोया हर चीज़ तारीख हो गई। हज़रत बर्रा बिन आज़म फरमाते हैं कि मैंने अहले मदीना को किसी चीज़ से इतना खुश होते नहीं देखा जितना रसूल सल्लम की तशरीफ़ आवरी पर खुश थे। बिलाखर नाका मोहल्ला बनी नज्जार, यानी आपके जो ननियाल है, इस मुकाम पर जा बैठी जहाँ मस्जिद नबी का आजकल दरवाज़ा है, मगर आप सल्लम नाका से ना उतरे। फिर नाका हज़रत अय्यूब अंसारी अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने बैठ के फिर दोबारा उठकर पहली जगह बैठ कर अपनी गर्द ज़मीन पर लगा दी। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लम नाका से उतर आए। हज़रत अय्यूब अंसारी आप सल्लम का सामान उठाकर अपने घर ले गए। हुज़ूर अकरम सल्लम की भी अपने ननिहाल में ठहरने की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने इसको भी पूरा फरमाया। अलावा से तुब्बा शाह यमन का गुजर मदीना की सरजमीन से हुआ। इसके हमराह 400 उलमाए तौरात थे। उलमा ने बादशाह से दरख्वास्त की कि हमें इस सरजमीन पर रहने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ने इसका सबब दरियाफ्त किया तो उलमा ने कहा, हम अंबिया कराम के सबीबों में ये लिखा हुआ पाते हैं कि अखीर ज़माना में एक नबी पैदा होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका नाम होगा, ये सरजमीन इनका दार हिजरत है। बादशाह ने सबको क़याम की इजाज़त दे दी, हर एक के लिए मकान तामीर करवाए, सबके निकाह करवाए, हर एक को माली अजीम से नवाजा, एक मकान बनी नबी आहुज़बान के लिए तामीर करवाया ताकि नबी आहुज़बान यहाँ क़याम फरमाए। और उसने एक ख़त भी तहरीर किया जिसका खुलासा, मैं गवाही देता हूँ कि अहमद मुस्तफ़ा अल्लाह के बरहक रसूल हैं, अगर मेरी उम्र इनकी उम्र तक पहुँची तो मैं ज़रूर इनका मुअय्यन और मददगार होऊंगा और इनके दुश्मनों से जिहाद करूँगा और इनके दिल को हर गम से दूर कर दूँगा। और तुब्बा ने इस ख़त पर मोहर लगाई और एक आलिम के सुपुर्द किया कि तुम इस नबी आज़मान का ज़माना पाओ तो ये मेरा अरीज़ा पेश कर देना, वरना अपनी औलाद को ये ख़त सुपुर्द करके यही वसीयत कर देना जो मैं तुम्हें कर रहा हूँ। इस सारे वाक़ से ये मालूम हुआ, जहाँ नाका आकर ठहरी थी, आप जिस घर में क़याम फरमाया था वो आप सल्लम के लिए ही तैयार किया गया था। और अंसार मदीना इन 400 उलमा की औलाद है जिनके लिए बादशाह तुब्बा ने मकान तामीर करवाए थे।